तो अपने कितने साल लग गए थे चंद्रावल फिल्म बनाने में? साल? हाँ। अरे 18 दिन में हमने शूटिंग पूरी कर ली थी। 18 दिन में मुझे याद है 1 नवंबर की दिवाली थी, लाठर साहब के साथ हमने दिवाली भी मनाई थी, फिर बाद में घर में शूटिंग वूटिंग खत्म हो ली थी। उसके बाद रामपाल भलारा, जयंत डायरेक्टर थे, जयंत प्रभाकर, इन सब ने फिर जाके बॉम्बे में रहे, वहाँ पे एक फ्लैट लेके वहाँ पे एडिटिंग वगैरह करके, और 14 मार्च को हमने रिलीज़ कर दी थी फिल्म 3 जगह। फिल्मों में काम नहीं करना है जी। तो उषा जी, जब आपका तो बाहर जाया करते, जब आपकी फिल्म बनी उस टाइम की बात है, तो आपने किस नाम से बुलाया करते? उषा शर्मा का नाम था, फिर चंद्रावल का नाम था, चंद्रो बोला करते। अच्छा, जहाँ भी जाते थे चंद्रो। पता है क्या है, हम जब दिल्ली जाते थे तो बीच में पहलवान का ढाबा था मूर्थल, अब तो पता नहीं वो कैसा हो गया, अब तो कहते हैं बड़ा हाई फाई बड़ा हो गया, बड़ा होटल टाइप बन गया शायद। तो पहले वो ढाबा होता था, मेरे पास एक गाड़ी होती थी ब्लू कलर की, दूर से ही उन्हें उनके वर्कर को उनको पता लग जाता था उषा जमा ही गाड़ी आ रही है, सेहत खराब हो जाती है जी। तो खाना पीना वो रहा नहीं ना उस टाइम में। अपने कैमरे कौन से यूज करे करो थे? क्योंकि आजकल तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया कैमरे आ रहे हैं, DSLR और भी बहुत बढ़िया बढ़िया कैमरे हैं, तो आपका टाइम में कौन से कैमरे यूज हुए करते? 16 mm का हमने कैमरा, 16 mm की फिल्म बनाई थी। अच्छा। और कैमरा तो मुझे याद नहीं है, वो टेक्निकली मुझसे मत पूछो कुछ भी टेक्निकली मुझे कुछ नहीं पता जी। तो आपने कितने साल लग गए थे चंद्रावल फिल्म बनाने में? साल? हाँ। अरे 18 दिन में हमने शूटिंग पूरी कर ली थी। 18 दिन में? और क्या, क्योंकि फिल्म बनाने आने का मतलब साल साल भी लगे थे। 18 दिन में फिल्म पूरी कर थी। हमारा म्यूजिक हुआ था, मुझे आज भी याद है, 10 अक्टूबर को जी। 10 अक्टूबर से पहले सितंबर में हमारा म्यूज़िक हो गया था, JP कौशिक जी ने किया था, और उसके बाद 10 अक्टूबर से हमारी फिल्म शूटिंग शुरू हुई थी जी। और 27-28 अक्टूबर को ख़त्म भी हो गई थी जी। उन दिनों मुझे याद है 1 नवंबर की दिवाली थी, लाठर साहब के साथ हमने दिवाली भी मनाई थी, फिर बाद में घर में शूटिंग वूटिंग ख़त्म हो ली थी। उसके बाद रामपाल भलारा, जयंत डायरेक्टर थे, जयंत प्रभाकर, इन सब ने फिर जाके बॉम्बे में रहे, वहाँ पे एक फ्लैट लेके वहाँ पे एडिटिंग वगैरह करके, और 14 मार्च को हमने रिलीज़ कर दी थी फिल्म 3 जगह। तो आपकी मूवी का कितना के कुछ बजट था, कितना खर्चा आ गया था? बजट हाँ। हमारा था 4 लाख के करीब था बस। और आपकी फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट गई थी, मुंबई तभी कोई डायरेक्टर का फोन आया हो, भाई मारी आप मशहूर हो गए हो, आपका फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा बन गया कि हमारी फिल्म में भी काम कर लिया? क्योंकि उस टाइम की आप पहली एक ऐसी हीरोइन थी हरियाणा में जिसकी लोग देखते कहते कि देखिए चंद्रावल आ गई। BR चोपड़ा जी का फोन आया, मतलब फ़ोन क्या आया था, लाडो बसंती की हम उन्हीं के थिएटर में डबिंग करने गए थे जी। तो BR चोपड़ा जी तकरीबन रोज आके हमारी डबिंग देखते थे, तो उन्होंने वो एक फिल्म बना रहे थे कोई, बाद में वो रति अग्निहोत्री को लिया था उन्होंने, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मुझे वहाँ बॉम्बे की जो क्लाइमेट है वो सूट नहीं की थी। अच्छा। मुझे हो गया था वहाँ पे म्यूजिक के समय डेंगू, मुझे नफरत सी हो गई थी वहाँ के, जब डेंगू वहाँ बीमार होने में म्यूजिक कराया, म्यूजिक के समय मैं बीमार थी, डेंगू था मुझे वहाँ। तो मैंने कहा कि नहीं चोपड़ा साहब, मैं बॉम्बे आके शूटिंग वगैरह नहीं कर सकती ना, मैं रह सकती हूँ बॉम्बे में। तो फिर मतलब मैंने एक और भी बात कही, कहते मैंने कहा कि भाई बॉम्बे में किस लिए आना है, या तो इंसान पैसे के लिए आता है, नाम के लिए आता है, चंद्रावल मेरी हिट हो चुकी है, पैसा की कोई कमी नहीं है, है ना, नाम भी हो बहुत है मेरा, हर जगह जाओ वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कितने लोगों की, मुजफ्फरनगर पे मेरठ तक भी। बाकी मेरा छोटा बेटा है, अपनी गृहस्थी छोड़ के मैं बॉम्बे वैसे भी नहीं आ पाऊँगी,
और मैं क्लासिकल एक तरह से डांसर हूँ, क्लासिकल की मैं माहिर डांसर हूँ, तो मुझे फिल्मों में काम नहीं करना है जी। तो उषा जी जब आपका तो बाहर जाया करते, जब आपकी फिल्म बनी उस टाइम की बात है, तो आपने किस नाम तक बुलाया करते? उषा शर्मा का नाम था, फिर चंद्रावल का नाम था, चंद्रो, चंद्रो बोला करते। अच्छा अच्छा, जहाँ भी जाते थे चंद्रो। पता है क्या है, हम जब दिल्ली जाते थे तो बीच में पहलवान का ढाबा आता मूर्थल, अब तो पता नहीं वो कैसा हो गया, अब तो कहते हैं बड़ा हाई फाई बड़ा हो गया, बड़ा होटल टाइप बन गया शायद। तो पहले वो ढाबा होता था, मेरे पास एक गाड़ी होती थी ब्लू कलर की, दूर से ही उन्हें उनके वर्कर को उनको पता लग जाता था उषा शर्मा की गाड़ी आ रही है। वो वहाँ पहले से इतने लोग इकट्ठे हो जाते थे ना कि वो चंद्रो आ गई, चंद्रो आ गई, चंद्रो आ गई करके। वो खाना तो क्या खाना था वहाँ, चंद्रो आ गई कोई कह रहे ऑटोग्राफ देता, कोई कुछ ऐसे होता था। तो आपकी फिल्म में 6 गाने थे जो बिल्कुल सुपर डुपर हिट रहे, जो कभी फ्लॉप नहीं हो सकते, जिन जा तू काला मैं गोरी गणी, मेरा चुंदड़ मंगा दे, उज्जड़ खेड़, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया गाने थे। आपका खुद का दिल के पास कौन सा गाना लगे आपने? मैं देखो अपनी फिल्म के गाने सारे एक होते हैं, अब कोई ये कहेगा कि अपने आपको कौन सा बच्चा अच्छा लगता है या कौन सा, तो एक तरह से ये 6 गाने थे हमारी फिल्मों में, तो 6 के 6 जो गाने थे वो सारे हिट थे और मुझे सारे ही पसंद थे। वैसे तो मैं जो ज़्यादा गुनगुनाती थी वो तो नैन कटोरे काजल डोरे। अच्छा अच्छा, अपनी मूवी का एक गाना भी लिया गया था जिजा तू का ना मुझे 9 लाखा मंगा दे, उसकी डबिंग करी शराबी फिल्म में, मेरा चुंदड़ मंगा दे पर डबिंग करी थी। उस टाइम किसी फीलिंग आई कि अपना हरियाणा गाना आज बॉम्बे तक बज रहा है? हम बड़ी खुशी हुई थी और ये मतलब ये भी हुआ था कि नकल कर ली हमारी, नकल तो थी वो उसमें जया प्रदा नाचती है शायद, जया प्रदा और अमिताभ बच्चन, तो उस वक्त फील भी हुआ था कि इन्होंने हमारी नकल कर ली, हमसे पूछा भी नहीं, पूछा नहीं था ना। तो आपकी जब फिल्म बन लाई रही, थोड़ा भीड़ कितनी इकट्ठी हो जाए कर दी देखने खातर, क्योंकि उनका रोड़ा शोर शराबा भी उस फिल्म में ओंदा होगा कि भाई तरह जब शोर शराबा होगा तो अपन बोल देने में दिक्कत आंदी होगी, तो कितने की भीड़ इकट्ठी हो जाए कर दी? भीड़ की तो मैं ये बताऊं कि हमारा ना मेरठ और मुजफ्फरनगर में 100 दिन का वो मनाया था, 100 दिन हो जाते ना पूरे, हाँ। वो मनाया था तो वहाँ मुजफ्फरनगर में इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी कि हमें थाने में बैठाना पड़ा, पुलिस ने आके हमें रेस्क्यू किया और थाने में बैठाया जी। उसके दूसरे दिन ना अखबार में भी आई थी कि चंद्रावल मुजफ्फरनगर के थाने में, वहाँ भीड़ और इतनी भीड़ मतलब क्या बताऊँ, होंगे मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार लोग। अच्छा अच्छा, चंद्रावल के अलावा आपकी और भी बहुत फिल्म आई जैसे जाटनी, लाडो बसंती और फूल बदन है, तो उनका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा अपना? उसके बाद हमने बनाई थी लाडो बसंती, चंद्रावल के बाद, चंद्रावल के बाद, तो उसमें इसलिए ये फौजी अपने हरियाणा के तो फौजी बहुत होते हैं, तो फौजियों के ऊपर बनाई थी वो फिल्म, बहुत अच्छी चली थी। उसमें मेरा पहले तो हीरोइन का रोल है, फिर उस हीरो लड़की की माँ का रोल है, तो वो फिल्म बहुत अच्छी, टेक्निकली भी वो बहुत अच्छी फिल्म थी और 35 mm में बनाई थी वो जी। और फूल बदन में भी आपका बहुत अच्छा किरदार था, आपने उसमें नटनी का रोल कर रखा था, और फिर जो राजा जी अपना उस नाराज महल में ले जाए, हाँ वो था शशि रंजन। अच्छा अच्छा, मेरा हीरो जो था शशि रंजन, जो बॉम्बे में कोई वो भी है ना, वो तो काफ़ी नाम है उसका, तो वो नटनियों के ऊपर थे, एक हरियाणा में जो नटों का भी एक पूरा ग्रुप है, तो हमने कहा हमने पहले तो गाड़िया लोहारों पे बनाया था, अब नटों के ऊपर भी एक बना लिया जाए, तो नटों के ऊपर वो फिल्म बनाई थी और वो उसकी फोटोग्राफी और वो बहुत ही अच्छी है, उसके गाने भी कई बहुत ही अच्छे हैं जी। तो उन्होंने कुछ तकरार तो नहीं करी जो अपन गाड़िया लोहारा के ऊपर फिल्म बनाई, नटा के ऊपर फिल्म बनाई, तो न्यू कौन कहा भाई था मारा ऊपर फिल्म क्या था बनाओ, कुछ ऐसा रिस्पॉन्स तो नहीं आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया, मैं उसमें नटों ने ही काम किया। अच्छा, वो जो चलती हैं रस्सी पे चलते हैं वो चलते हैं, वो सही में नट थे, सही में नट, सही में नट आए हुए थे, पूरी मंडली आई हुई थी। और गाड़िया लोहार तो बड़े खुश जहाँ भी जाते थे, गाड़िया लोहार तो और हमारी चंदवागी, हमारी चंदवागी, वो तो अभी भी आ जाता है कहीं, वो बेचने आ जाते हैं तवा। अच्छा, तवा वगैरह ना, एक छन्नी ली थी हमने उससे, छन्नी
तो वो बड़ा खुश था, चंद्रो के घर बेच के आया हूँ मैं, बोलूंगा जाके। तो आपको थोड़ी खुशी मिलती होगी, मेरा पुराना टाइम भी आता था, क्योंकि उस टाइम में आप भी जाया कर दी, जब फिल्म थी आपकी कुछ छाड़ी छुड़ी बेचण रुके मारे कर दी, जब अपना वो सूरज जी आकर लाशी पे आया करा। हाँ वो बड़े वहाँ पे जाके वो होता था। अच्छा एक एक मैं बताती हूँ वाक्य गाड़िया लोहारों का। रोहतक में ना एक फंक्शन था, पॉलिटिकली वो था, तो क्योंकि प्रभाकर जी उस वक्त भजनलाल जी के प्रेस सेक्रेटरी भी थे जी। तो करतारी देवी होती थी मिनिस्टर हमारी, हेल्थ मिनिस्टर, तो उनका प्रोग्राम था, तो उन्होंने बुला लिया था, उषा आ जाओ मेरे प्रोग्राम में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनके पास बैठी थी तो देखा एक पूरी लाइन की लाइन चली आ रही है, तो कतारी देवी बोली ये आगे उषा जी के परिवार वाले तो सारे गाड़ियाँ लोहार चले आ रहे। अच्छा, अच्छा। और आके उनकी बहू में मेरा पैर छूने लगी, वो करने लगी, मतलब वाक्य में उस वक्त मेरे को इतना प्राउड फील हुआ, मैंने कहा देखो गाड़ियाँ लोहार मुझे अपना समझते हैं। तो ऐसे एक बार ना इलेक्शन था इसका कुलदीप बिश्नोई का, तो भिवानी के पास ना वो एक वो है, देखो नाम भूल गई मैं उसका, कस्बा गांव है, वहाँ पे 500 गाड़ियाँ लोहार, 500 गाड़ी पड़े थे, परमानेंट पड़े हुए हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे जाके ना उनके जो देख रहा था इलेक्शन का, कहते उषा जी प्लीज़ एक बार आ जाओ गाड़ियाँ लोहारों के वहाँ पे जाना है। वहाँ गई कि उनको कहना कि भी कुलदीप बिश्नोई को वो डालेंगे वोट, वहाँ गई भवानीखेड़ा है। हाँ भवानीखेड़ा में, तो वहाँ मैं गई, उन्होंने किया स्वागत किया, अजी आप जहाँ भी कहोगे हम तो और कहीं डालते ही नहीं वोट वो अपना एक परिवार समझने लगे थे। तो उषा जी अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा किस्सा घट जगह जिससे आप मरते दम तक भूल को नहीं पाते, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा किस्सा जिससे आप बार बार याद कर दो, जो बुलाया था भूल जा रहे हो? वो तो फिर यही है कि तो एक तो सबसे ज़्यादा ये मुझे था मॉरिशस में मेरी परफॉर्मेंस थी, तो उसमें मैंने पूरी एक रामायण का होता है अरण्यकांड किया था, जिसमें जटायु वध वगैरह सारा होता है, तो वो मैंने अकेली नहीं किया था, पीछे से कमेंट्री प्रभाकर जी कर रहे थे और म्यूजिक चल रहा था। वहाँ पे मॉरिशस में उन लोगों ने मुझे इतना सिर पे उठाया, क्योंकि वहाँ रामायण को बहुत मानते हैं, उन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा सम्मान दिया उस प्रोग्राम में। एक तो वो मैं मतलब मुझे बहुत मरते दम तक याद रहेगा। एक ये चंद्रावल के जो शूटिंग से लेके, और फिर हम सोच ही नहीं सकते थे हीट हो जाएगी, मतलब हम तो ये सोचते कि चल जाए वही बहुत है कि हमारे जो खर्चा हुआ निकल जाए। जब हिसार में हीट हो गई और फ़ोन आया डिस्ट्रीब्यूटर का कि प्रभाकर जी मुबारक हो, वो जो एक मतलब बता नहीं सकती कि क्या फील हुआ, इतना प्राउड फील हुआ, इतना खुशी हुई बहुत ज़्यादा। हरियाणा की मतलब पहली फिल्म थी जो सुपर डुपर हिट गई, उसके पहले ख्याल तो कोई सी फिल्म साली नहीं होगी। नहीं और फिल्म दो कहते हैं दो बनाई थी, तीन बहुरानी थोड़ी बहुत चली थी, उससे पहले वीरा शेरा और एक और थी हरफुल जाट, तो वो मुझे नहीं मतलब पता, मुझे भी नहीं पता कि कहाँ लगी कहाँ चली जी। तो आपने कुल कितनी टोटल फिल्म में काम करा है, आपने खुद की एक्टिंग मैंने में? खुद हमारी खुद की फिल्म में, मैं किसी दूसरी फिल्म में नहीं काम किया। नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने खुद रोल किया, एक तो आप खुद मूवी बना रहे हो उसमें एक्टर कोई हो रहा है, हाँ। जिसमें आपने खुद एक्टर का रोल किया वो कितनी फिल्म है? मेरी यही चार फिल्में हैं, चंद्रावल, लाडू बसंती, फुलबदन, जाटनी। हाँ और चंदावल 2 में छोटा सा एक शुरू का रोल था, उसमें मेरी शक्ल तो दिखती नहीं, मेरी रूह दिखती है, आत्मा आई है जैसे। वो फिल्म जैसे चंद्रावल 1 आई थी उसकी जैसे नहीं चल पाई वो फिल्म, वो इसलिए नहीं चल पाई चंदावल में, और इसमें देखो फ़र्क है, चंदावल के समय में कोई टीवी नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई ये जो नेट पे आते हैं ये अमेजोन या क्या क्या जो होता है ये नहीं था, तो चंदावल 2 में तो पहले ही हमारी सीढ़ी निकल गई, अभी बॉम्बे में हमारी फाइनल वो निकला है उससे पहले सीढ़ी निकाल दी लोगों ने, तो वो कहाँ से चलेगी। तो उस अजीब पहला जो फिल्म होगा इतनी सभ्य बनाया करती कि पूरा कुनबा इकट्ठा बैठ कर देखे करता,
लेकिन आज कुछ इतनी गंदी गंदी फिल्म बन ला रही जिसकी एक आदमी अगर सही है नहीं तो अकेला भी कौन बैठ कर देख सकता। वो तो है, अभी जैसे पहले पंजाब अब संभल गया, पंजाब में पहले कितने गलत गलत गाने गलत गलत मूवी बनी, फिर अब पंजाब में बड़े अच्छे अच्छे गाने बड़े अच्छे मूवी बनने लगी है। तो ऐसे हरियाणा में तो शुरुआत हुई थी वही हुर्रे हुर्रे करके, तो गन लेके या राइफल लेके शूट करके ऐसा करके, वो नहीं है अच्छा, लोगों के ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ता है। तो अब कुछ लोग हैं जो अच्छी फिल्म बनाने लगे हैं, जो शॉर्ट फिल्में भी अच्छी बन रही हैं, तो कई अच्छे बन रहे हैं। तो उस जब उन बेटियां तय उन बहनों तक किस देश देना चाहोगे जिनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा लेकिन परिवार वाले सपोर्ट कौन कर दे? उसमें तो यही कहूँगी कि हर जगह जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं वो अपना अपना वो टैलेंट दिखाते हैं। मतलब देखो कल्पना चावला मतलब वहाँ तक पहुँच गई थी स्पेस के उसके काम में, तो मतलब ऐसी बात नहीं है। अब जैसे दंगल बनी फिल्म, दंगल में फोगाट का सारा दिखाया, तो कितना स्ट्रगल दिखाया, तो ऐसे करके निकलना चाहिए। हमारी कितनी लड़कियां हैं जो हॉकी उसमें गई है, क्रिकेट की उसमें भी गई हुई है लड़कियां। हाँ समाज हुई निधि, तो उस मतलब ऐसी बात नहीं है। लोगों को निकलना, अगर टैलेंट है तो लड़कियों को अपनी वो उस टैलेंट को देख के आज़ादी देनी चाहिए मैं कहती हूँ। और लड़कियों से भी मैं कहती हूँ कि मेहनत, अगर आप सच्ची मेहनत करेंगे तो ये नहीं कि भी एक फिल्म में वो कर लिया और नाम हो गया तो आप सोचो कि आप तो एक्सपर्ट हो गए। अब जैसे एग्जाम्पल मेरा भी ले सकते हैं आप कि मैंने क्लासिकल में इतनी मेहनत की कि हम सुबह 9 बजे लगते थे, रात के 9 बज जाते थे, इतनी मेहनत करके परफॉर्मेंस देश विदेश में किया, तब जाके मैं फिल्म में काम किया। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, मेहनत करो और जिस काम में भी जिस फील्ड में भी आप कर रहे हो तो उसी फील्ड में आप जितना भी आगे बढ़ सकते हो मेहनत करके तो वो बढ़ो आप। तो लास्ट में जानने जाने तो दर्शक इस वीडियो में देखने लग रहे हैं, उनकी के संदेश देना चाहोगे मोटिवेशन का तौर पर? दर्शकों से तो मैं यही कहूँगी कि भी अपने हरियाणवी कल्चर को प्यार करो। मतलब मैं देखती हूँ कभी जैसे जाना आना होता है तो तकरीबन फिल्म जैसे पंजाबी गाने लगे होते हैं गाड़ियों में ट्रकों में या आसपास, तो अपने गाने भी कम नहीं है आजकल। बहुत अच्छे अच्छे लोग गाने म्यूजिक बना रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं दर्शकों से ये कहूँगी कि अपनी कल्चर, अपनी जो माँ बोली है या अपने प्रदेश की बोली, अपने प्रदेश की कल्चर पहनावा, उसको प्यार करो तभी आगे बढ़ेंगे जी। तो मैडम का कहने का मतलब ये है कि अपना हरियाणा में इतने अच्छे प्रोजेक्टों में काम होने लग रहे हैं। मैं नहीं कहता कि सारे गाने बढ़िया हैं, एक आधे गाने घटिया भी काट दें जिसकी वजह से अपना हरियाणा थोड़ा बहुत बदनाम होने लग रहा है, लेकिन वे कभी भी इतने अच्छे अच्छे गाने लिखने लग रहे हैं जिनकी पूरा परिवार बैठ कर इकट्ठा सुना है, लेकिन फिर भी क्या लोग अपनी माँ बोली ने छोड़ कर दूसरे गाने सुनना ज़्यादा पसंद करा है। तो मैडम भी यही कहना चाहवा कि अपनी माँ बोली ने भी सपोर्ट करो ताकि वो ऊंचे लेवल तक जावे। तो उषा शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कितने टाइम काट दिया आपने। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सारे हरियाणा वालों को भी ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई ऐसे ही बने रहिए, ऐसे और भी मैडम जी के जो साथ काम करे गए थे उनके भी इंटरव्यू लेकर आप तक रूबरू होते रहोगे और मोटिवेशन इंटरव्यू लेकर आप तक रूबरू होते रहोगे। तब तक के लिए बने रहिए, देख दे रही है स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद।